हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांडरवे टूरिज्म। आज हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। यूजीसी नेट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी इंस्टीट्यूट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बट एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो यूजीसी ने टर्न अप कर दी है कि ये इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, लेकिन अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं और उससे ऊपर के पोस्ट के लिए अगर आपको टेकअप करना है, देन द पीएचडी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो इट इज़ वेरी मच कि जो एक बेसिक क्राइटेरिया आपने बना दिया कि यूजीसी नेट के बगैर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं सकते, लेकिन अगर आपको आगे फर्दर बढ़ना है, फर्दर प्रमोशन वगैरह चाहिए, देन यू नीड टू हैव द पीएचडी डिग्री रिगार्डिंग द सेम। दूसरी चीज़ अगर हम कहते हैं कि अगर आपका यूजीसी नेट आपने नेट क्लियर किया हुआ है, तो पीएचडी के एडमिशन के लिए भी वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है कि हाँ भाई पीएचडी अगर आपने करना है तो यूजीसी नेट आपको क्लियर करना ही होगा, तभी तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और जो बेसिक पर्पज इसका ये हो गया कि भाई ठीक है, अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है तो आपको जस्ट इंटरव्यू दे करके और आप जो है यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपने नेट क्लियर नहीं किया हुआ, देन यू हैव टू हैव द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन इन पीएचडी, आफ्टरवर्ड्स द इंटरव्यू राउंड। नाउ इस लिहाज से अगर हम चेक करें तो यूजीसी नेट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर बींग अ प्रोफेसर। अगर आप इस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा। एक जो वेरी मच एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो अगर आपने नेट नेट के बारे में आपने सोचा हुआ है, तो बेटर ये रहता कि आप जब मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं उसी समय आप जो है जो करिकुलम वगैरह आप रीड करते हैं तो उसी समय से प्रेपरेशन में टेकअप करें। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर उसी समय से अगर आप नेट एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दें तो आपको अगर आप क्लियर भी कर लेते हैं, अगर आप इन बिटवीन क्योंकि आपने पूरा पढ़ा हुआ रहता है सब्जेक्ट मैटर, और अगर आप क्लियर भी कर लेते हैं तो आपको जो मेंशन करना रहता है कि आई एम अपियरिंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन एंड आई एम परसुइंग माय डिग्री परसुइंग एंड माय मास्टर्स डिग्री, और ये सब शो करते हुए यू कैन ऑलवेज गो फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। देन अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हो, नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद से आपको 2 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया जाता है कि जब आपको मास्टर्स डिग्री शो करनी है। तो बेटर ये रहता है कि मैं तो ये कहूँगा कि आप जब एग्ज़ाम अपना मास्टर्स एग्ज़ाम दे रहे हो तभी आप जो है अपना तभी आप जो है नेट का एग्ज़ाम दें। और अगर आपने उसी बीच में क्लियर कर लिया, देन आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड तो वैसे ही है कि आप उसको शो कर सकते हो मास्टर्स डिग्री का फाइनल का रिजल्ट कि हाँ भैया मैंने मास्टर्स डिग्री क्लियर कर लिया है। एंड वो सबसे बेस्ट इफेक्टिव तरीका रहता है। नाउ अगर हम लोग आज की डेट में बात करें तो नेट क्लियर करना है, दिस इज़ आई एम जस्ट शोइंग माय प्रैक्टिकल थिंग कि किस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, किस तरह से आप अपने अपने एफर्ट्स स्टार्ट कर सकते हो। देन अगर हम लोग आज की डेट में देखें तो जो नेट एग्जामिनेशन के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने प्रॉपरली किया हुआ है तो क्वेश्चन को किस तरह से करना है, कितनी फ्रीक्वेंटली करना है और कितना आपको रिवीजन करना है, ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस जिसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिस का कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करते जाना है और आपने करिकुलम को इतना ब्रीफ अप कर लेना है, इतने शॉर्ट अपने माइंड में सेटअप कर लेना है कि ये जो जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप उसमें कम्प्लीटली इफेक्टिव अपनी नॉलेज को पूरा यूज़ करते हुए क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो, यू कैन सेल थ्रू द सेम इमीडिएटली। इसके बाद में अगर हम लोग चेक करें तो जो जनरल स्टडीज़ का पेपर रहता है, जनरल स्टडीज़ में आपको पूरी चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए कि जो डे टू डे लाइफ में आपका क्या है। सिमिलरली आपके मैथ्स का होता है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जो ट्रू ट्रिक्स होती है उनको आपने टेकअप करना रहता है। इसी तरह से अगर आपको जो जनरल हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, जो जनरल साइंस है, इन सभी के क्वेश्चन पेपर्स को आपने प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। अगर आपने कंसिस्टेंटली सबको क्लियर किया हुआ है, देन यू कैन
इजिली सेल थ्रू इट. मैं सेल थ्रू इट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव प्रैक्टिस्ड एंड आई क्लियर माय नेट मैनेजमेंट यूजीसी नेट मैनेजमेंट इन 2014 जून 2014 एज आई डिड माय एमबीए इन फाइनेंस. सो अगर आप उसको टाइम मैनेजमेंट उसका प्रॉपरली करेंगे यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट. और इसके लिए बेटर टाइम पीरियड ये है कि जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं तो आप मास्टर्स को करते हुए उसको ट्राई करें. और अगर आपने उसमें जाना ही है तो इस चीज़ को आप जो है थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड और जो मेरी थिंकिंग है उसके रिगार्डिंग दिस इज़ वॉट आई नीड टू शो इट टू यू. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.